रुक गई है। क्या बात है गुरु? कुछ नहीं, तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? हम जरूर जीतेंगे, चलो हम जीतेंगे। यस चलो चले। बिल्कुल ठीक, वो भी याद रखें। बात 30 करोड़ डॉलर्स की है। आइए सर। गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, डेविड तुम ठीक हो? ओह नो, ये क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ ये ठीक है, और सभी को बस से उतार दो। साउंड वेव्स, हम ये जानते हैं कि जब साउंड वेव्स किसी ठोस वस्तु से होके गुजरती है तब उनकी वेवलेंथ बढ़ती और फ्रीक्वेंसी घटती है, और तरंगों की इस अनियमितता से हम अपने पृथ्वी की बुनियादी बनावट को समझ सकते हैं। नाखून कैसे बन रहे हैं क्रिस्टीन? गुड, अब हम एक डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। मिस्टर आयकर, वेरोनिका, थैंक यू वेरी मच। ओके, मिसेस लाइमस्टोन, आप खुले विचारों की हैं, प्यार में संगीत के महत्व को जानती होंगी, पर मैं इसे नहीं बजा सकता, फिर भी एक कोशिश करता हूं। आप ऑसिलोस्कोप देखिए। ओके शुरू करता हूं। डॉक्टर जाशुआ कीज? शायद हां या ना सर। शायद हां। हमारे साथ आइए सर। वैसे हो क्या रहा है? हमें भी पता नहीं है सर। आपको पता नहीं? क्या मतलब? आपकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। मेरी सुरक्षा की जरूरत है? हमें बस आपको आपके जेट तक ले जाना है। मेरे पास जेट है? खुद क्यों नहीं रही मशीन? Hey, सेज, 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 खुल जाओ। तुम हमेशा की तरह लेट आए हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, समझे? वहाँ बहुत सारे बायोकेमिस्ट हैं, मुझे उनसे नफरत है। तुम कब किसी खूबसूरत लड़की से मिलोगे और उससे शादी करोगे? मेरा काम ही मेरा सब। मेरा भी। मेरी पत्नी मेरे लिए एक अजनबी है, शायद इसीलिए मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। तुम बहुत ही रोमांटिक हो, इसीलिए अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। मैं भी तुम्हारी पत्नी से प्यार करता हूँ। जानता हूं। पर मैं तुम्हारी पत्नी से प्यार नहीं करता। तुम उससे उस तरह प्यार नहीं करते जैसे। हाँ, अगर फ्रेंच है तो शायद चीज ही होगी। ओह चीज, तुम तुम मुझे चिढ़ा रहे हो क्या? ये तो लाशें। लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए। हाँ, हम गलत जगह पर है। नहीं, अगर तुम गलत जगह पर होते तो तुम मारे गए होते। स्वागत का ये अंदाज अच्छा लगा। सर्ज, 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 मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी थॉमस। डॉक्टर कीज, जानता हूं, मुझे टॉम पर्सेल कहते हैं। जेंटलमैन, आपको मालूम होना चाहिए कि यहां जो भी है वो गोपनीय है। आज 10:30 पर 32 लोग कोई 10 ब्लॉक्स के दायरे में मर गए। वो बीमार नहीं थे, बस जमीन पर गिरे और मर गए। नस फटने से? ऐसा लगता तो नहीं। सभी एक ही समय पर मरे? जहां तक मैं जानता हूं हाँ। ये खबर CNN पर आने वाली है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? मरने वालों में कोई खास समानता? सभी पेसमेकर पर थे। कमाल है, इसीलिए तो तुम इतने मशहूर हो।
बिना किसी सुराग के तुमने ये अंदाजा लगाया कैसे? मैं और सेठ जी सुराग हैं। अब मेरा मतलब वो हाई एनर्जी वेपन्स का जानकार है और मैं जियो मैग्नेटिक्स का, क्योंकि आपने हमें बुलाया इसका मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन पर शक है। अगर मरने वाले यही लोग हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी के शिकार हुए हैं। क्यूईजी पेसमेकर्स, कमाल का अंदाजा लगाया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है? इतने लोगों को इतने बड़े दायरे में एक साथ मारने के लिए इतना शक्तिशाली ईएम पल्स वाला हथियार चाहिए जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। ओके, काम हो गया। नहीं सर, हमारा काम बाकी है क्योंकि हमें इसकी वजह का पता लगाना ही होगा। मैं जोशुआ से सहमत हूँ। थैंक यू। हमारी परेशानी ये थी कि कहीं ये हमारे खिलाफ जंग तो नहीं। अब क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए हम चैन की सांस ले सकते हैं। क्यों,